नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज टीवी। आपके साथ हूं मैं ज्योति वर्मा, खबर उत्तराखंड से। हरिद्वार के रोशनाबाद के जिला न्यायालय में कार्य कर रहे दीपक भटनागर ने बिहार में चल रही हायर जुडिशियल सर्विसेज में 45वीं रैंक हासिल की है। इसके बाद बिहार में ही उन्हें एडीजे के रूप में नियुक्त किया जाएगा। बिहार जैसे बड़े शहर में इतने कॉम्पिटिशन के बाद भी ऐसी 45वीं रैंक हासिल करना एक बड़ी चुनौती है और वाकई काबिले तारीफ है। मेरा नाम पंकज कुमार चौहान है। मैं और दीपक भटनागर जी बचपन से ही, जब हम नर्सरी से थे तब से हम दोनों मित्र और एक क्लासमेट रहे हैं। बचपन से ही अत्यधिक मेधावी व विलक्षण प्रतिभा के धनी थे। कानून में बहुत अच्छे ज्ञाता, अच्छी पकड़ कानून में थी। इनके सिलेक्शन से अत्यधिक प्रसन्नता और हर्ष का माहौल है हमारी कचहरी में। इस तरह के अच्छे मेधावी छात्रों के जुडिशरी में आने से जुडिशरी में भी काफ़ी अधिक प्रगति होगी, उन्हें भी काफ़ी अच्छे न्यायिक अधिकारीगण मिलेंगे, जो पेंडेंसी है वो समाप्त होगी। अत्यधिक प्रसन्नता है, हार्दिक शुभकामनाएं हमारी दीपक भटनागर जी को। बिहार, यूपी, ये जो हमारे राज्य हैं उनमें अत्यधिक टफ कंपटीशन होता है, अत्यधिक हार्ड लेवल का जो स्टैंडर्ड्स है वो हैं उनमें। इनके द्वारा अपना अटेम्प्ट निकालना अत्यधिक बधाई के पात्र हैं। ये इनका नाम इनके द्वारा रोशन किया गया है, रोशनाबाद कचहरी का नाम इनके द्वारा रोशन किया गया है। हमने मिठाई खिला के गले मिल के इतनी मित्र थी। मेरी इनिशियल स्टडी तो BHL हरिद्वार में हुई और विद्या मंदिर सेक्टर 5 में ही मैं पढ़ा। हाई स्कूल और इंटर मेरा वहीं से हुआ। फिर मैंने ग्रेजुएशन देहरादून DAV कॉलेज से की, लॉ भी मेरी वहीं से है। और फिर मैंने अपने हरिद्वार में ही प्रैक्टिस की 2016 तक। फिर मैं हाई कोर्ट नैनीताल में भी प्रैक्टिस की। परिवार में मेरे फादर इनिशियल स्टेज पे एक्सपायर हो गए थे, मदर ने सब किया था, मेरी मतलब सब मदर के द्वारा किया गया। एटलीस्ट मैं 6-7 साल से ही कम से कम तैयारी कर रहा था। 35 से जब से हुआ था तब से ही तैयारी कर रहा था। काफ़ी असफलताओं के बाद एक सफलता हाथ में लगी। मैंने यूपी के लगभग 3 बार, बिहार का ये सेकेंड अटैम्प्ट था मेरा, और बाकी और अदर स्टेट्स में भी मैंने किया। सपना तो जब लॉ में आए तो फिर जुडिशरी की तरफ झुकाव अपने आप ही हो गया। चैन मित्रों का सहयोग है, परिवार का, सब बड़ों का आशीर्वाद है, इन्हीं की वजह से सब हुआ। एक अच्छी बात, मतलब एक इतनी असफलताओं के बाद एक सफलता मिली है तो सबको ज़्यादा खुशी है कि एटलीस्ट जो असफलताओं का दौर था वो ख़त्म हुआ है। तो लगातार पढ़ें और पढ़ते रहें और वो कभी भी अपने आप को इस असफलता से, कितने असफलताओं से मायूस ना हो, सफल वो जरूर होंगे, बस थोड़ा समय लगता है। मेरा बिहार हायर जुडिशियल सर्विसेज में 45वीं रैंक आई है मेरी और ADJ इससे बनते हैं, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, उसका एंट्री लेवल का वो है एग्ज़ाम था। दोस्त सारे बहुत खुश हैं, सब मतलब परिवार वाले भी, दोस्त भी। मेरा नाम एडवोकेट हिमांग गुप्ता है। दीपक भटनागर सर के सिलेक्शन से जो बिहार में सेलेक्ट हुए हैं एज ए ADJ बने हैं, वो HS क्लियर करके, उससे हम युवाओं को एक बहुत बड़ा प्रेरणा स्रोत मिलता है और हमें ये प्रेरणा मिलती है कि हम भी आगे किस तरह से तैयारी करें और हम आगे एग्ज़ाम कैसे क्लियर करें। उनसे गुरु मंत्र लेंगे, वो हमें मंत्र देंगे कि किस तरह से पढ़ाई की जाती है और किस तरह से एग्ज़ाम में हम क्लियर कर सकते हैं। दीपक भटनागर सर को मैं 2014 से जानता हूँ, जब से मेरा रजिस्ट्रेशन हुआ है मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट करी है DBA हरिद्वार में, और जब भी मुझे किसी परेशानी का सामना करना पड़ा है तो मैं हरिद्वार के खड़खड़ी क्षेत्र में उस वक्त हड़कंप मच गया जब गंगा भक्त आश्रम में अचानक से जंगल से एक गुलदार घुस आया। हम अंदर कुछ लेने गए, अब वो अंदर रहा है तब हम पर दौड़ पड़ा, अब मिस्त्री सामने रहे तब वो नीचे आया, अब तो जब उनके आई में रुक गया, फिर गिरा यहाँ पर बारे लगा ना? एक वो सामान लेने गए थे, डब्बा बब्बा कुछ ढूंढने गए, अब तय से हवा के पर झपटा ना बाहर है तो इधर जनरेटर ना उधर रहा है कोने में बैठा था, ना दरवाजा ना है बंद बंद रहा है, बता बाहर है तो कोने में जनरेटर है, कोई खुला ही आई। बाद में हम देखना है, हम तो इधर आ गए, फिर हम अंदर चलो गा हाँ, फिर लोगों ने फिर सब आ गए, तब ने सबने बंद कर दिया।
सुबह रिपोर्ट आई थी कि गुलदार आ रखा है यहाँ पर, ये आश्रम है खड़खड़ी गेट के पास में, तो उसका एक बार असेसमेंट किया गया तो ये समझ में आया कि छोटा बच्चा है, ज़्यादा बड़ी उम्र का नहीं है, और उसको चूँकि कमरे के अंदर भी घुसा हुआ था, कमरे के अंदर आके बाथरूम में हो रखा था, तो काफ़ी डिफ़िकल्ट पोजीशन में था, शहर के बीच में होने के कारण से उसके ऊपर में कहीं से निकासी का सीधा रास्ता भी नहीं आ रहा था। ऐसी परिस्थिति में निकालने के दो ही विकल्प थे, या तो उसको ट्रैंक्विलाइज करके निकाला जाए या फिर उसको किसी और दूसरे विकल्प से किया जाए। ट्रैंक्विलाइजिंग की भी हम लोगों को परमिशन मिल गई थी, लेकिन यहाँ पर मौके पर कुछ व्यवस्था ऐसी बन सकती थी जिससे कि शायद उसको निकाला जा सके, तो उसमें थोड़ा सा दरवाजे को काट करके उसके आगे पिंजरा लगाया गया और बिना किसी ज़्यादा परेशानी के उस जानवर को पिंजरे में वो खुद से आ गया था। करीब एक साल की उम्र के आसपास का शावक है और स्वस्थ लग रहा है। इसमें चीफ फाइल वार्डन साहब को अवगत करा दिया गया है, उनके जिस प्रकार के इसमें आगे दिशा निर्देश होंगे तदनुसार इसमें आगे कार्रवाई की जाएगी। अभी उसको एक बार मेडिकल चेकअप के लिए ले जा रहे हैं, मेडिकल फिटनेस उसकी देखने के बाद भी कहीं चोट नहीं है कुछ नहीं है ये सारी सुनिश्चित करने के बाद भी उसके बाद उसके आवास क्षेत्र में उसको परमिशन दे करके छोड़ दिया जाएगा। खबर उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में स्थित नजीबाबाद थाना रोड के पास एक डंपर ने बाइक सवार को कुचल डाला, जिसके बाद बाइक सवार के परिजनों ने लाश को सड़क पर रखकर घंटों जाम लगाया। बिजनौर के जिले मंडावर में दो भाइयों ने अपने ही सगे छोटे भाई की गोली मारकर हत्या कर दी। खबर हरियाणा से। हरियाणा के रेवाड़ी में स्थित नागरिक अस्पतालों में नहीं दिख रहा स्वास्थ्य मंत्री का कोई खौफ, जिसके चलते यहां सभी नागरिक अस्पतालों में किया जा रहा है कमीशन के लिए सिर्फ काम। ऐसा मेरे सामने अभी आप ही इस विषय को रख रहे हैं, मेरे सामने ये विषय नहीं आया था, लेकिन मैं इस विषय पे भी सीएमओ से बात करूंगी। अगर इस तरह की बात है, आप किसी जिसकी डिलीवरी होनी है उस पेशेंट को आप बाहर भेजते हैं तो बहुत गंभीर विषय है। ऐसे विषयों पे हरियाणा राज्य महिला आयोग जरूर संज्ञान लेता है। अगर इस तरह की कंप्लेंट हमारे सामने आती है तो उसके खिलाफ हम कार्रवाई करने का काम भी कर रहे हैं। किसकी लापरवाही मान रहे हैं इसमें? आपको लगता है कि बड़ा खेल रेवाड़ी में हो रहा है कि प्राइवेट और सरकारी के इनका टाई अप रहता आपस में पैसे के लिए? हाँ जी बिल्कुल, जब वो ये ऐसा बताओ ना कि भाई उस प्राइवेट वाली को क्या पता कि वो ज्यादा सीरियस है, वो उसको क्यों लेने के लिए आई और उसको ये बोला गया कि ज्यादा सीरियस है इसको ले चलो। उसके हाथ में वो ग्लूकोज की बोतल थी जी, और वो हाथ मेरी मिसेज का हाथ पकड़े हुए अपनी गाड़ी में, गाड़ी बाहर रोड पे खड़ी थी जी, तब लेके गई। आप ये भी बता रहे हो कि उसकी नॉर्मल डिलीवरी करा दी जबकि सरकारी में उसको रेफर करने की कह रहे थे, करने कह रहे थे जी, तो हमने हस्ताक्षर भी दे दिए थे जी मेरे जीजा जी ने। तब उस फिर आध घंटा बाद ये बोला गया कि अल्ट्रासाउंड कराओ, अल्ट्रासाउंड कराया गया, फिर बोला कि यहाँ डिलीवरी हो जाएगी सुबह तक, ऐसे कहकर जी उसको पटक दिया। फिर रात में आप प्राइवेट में क्यों ले गए? सर जी वो ज्यादा तड़प रही थी जी, और तड़प रही थी तो वो बेहोशी पे आई, तो खुद मैडम आई तो हमें तो क्या पता था वही मर जाती, ये भी मर जाती, उठा ले जाते, लेकिन वो मैडम आई और इसको उठा के लेके गई, तो वो मैडम ने ऐसा कहा कि ये घंटे नहीं वही रह जाती थी, ये भी खत्म थी। तो एक फाइल की भी बात भी है कि फाइल? हाँ जी, एक जो ये हॉस्पिटल स्टाफ ये कह रहा है कि हमारी फाइल चुरा ले गई, हमें फाइल से कोई लेना देना नहीं था जी, उन्होंने मेरे खिलाफ FIR दर्ज भी कराई, चौकी से फोन भी गए जी, अगर फाइल चुरा ले आए, लेकिन हमारे जब हमारे में ये भी इतनी थी जी तो हम किसकी फाइल का ध्यान रखते। तो ये जिस हॉस्पिटल लेके गए थे क्या नाम है उसका, वो डॉक्टर क्या बोले फाइल के बारे में? महाराजा हॉस्पिटल में एडमिट कराई थी, दूसरे दिन हमें वहाँ पता किया कि भाई सरकारी हॉस्पिटल की यहाँ फाइल आ गई, तो उस मैडम ने ये जवाब दिया कि कोई कागजात नहीं थी, एक फाइल थी वो फाड़ के डस्टबिन में डाली। CBSE द्वारा चल रही 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा में अर्थशास्त्र व गणित के पेपर का लीक होने से छात्रों में भारी रोष देखा जा रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंकिता
पूछते हैं कि क्या कहना है आपका प्लस टू का पेपर लीक हो रहा है, क्योंकि इससे सीबीएसई को नहीं हमें भी इफेक्ट होता है, हमारी पढ़ाई भी कहीं ना कहीं इफेक्ट होती है। ये लीकेज पहले भी आज भी एक टेंथ का पेपर लीकेज होया सीबीएसई का, कि सीबीएसई का ही होया जा रहा है, क्या कारण है पीछे, कहाँ से लीकेज हो रहा है? आप दिल्ली में भी देख सकते हो पहले भी लीकेज होया था और अब भी पिछले साल भी लीकेज होया था। सीबीएसई को खुद सोच रही है कि कुछ लोग हैं जो कि लीक कर रहे हैं, उन्हें अपने पर्टिकुलर एरिया में खुद ही स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा, अगर वो स्ट्रॉन्ग है तभी हमारा होगा। तो अब आप इसमें जिम्मेदार किसको ठहराते हो? हम सीबीएसई को ही कहेंगे। ठीक, एसबीआई रेवाड़ी की चेस्ट बैंक ब्रांच से 3,26,000 रुपए की हेरा फेरी का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है ये मामला 2016 का है। ऐसा एसबीआई बैंक में 2017 में अगस्त 2016 में ये कुछ अपना ट्रेजरी जाती जो खजाना जाता है तो खजाना गया था यहाँ से एसबीआई बैंक से, और जब खजाना जो आदमी ले के गए थे रिसीव करके ले गए थे असिस्टेंट मैनेजर ये अजय भगवान दास और एसएल मक्कड़, तो जब आके खजाना पहुंचा तो वहां पर खजाना के जब कलेक्शन हुई तो वहां पर कम हो गया 3,25,000 रुपये। कैसे कम हुआ, क्या कपन हुआ, इस चीज़ का जब उसको पता लगा कि 3,25,000 रुपये कम हो गए तो बैंक की कोई ऐसी हिदायतें थी कि भाई इनका जुर्माना भरवाया जाए, तो उन दोनों आदमियों ने उनका जुर्माना डबल से भर दिया अलग से, कि आरबीआई कोई ऐसी इंटेक्शन है जो नुकसान होता है वो भी पूर्ति करते हैं, उन्होंने 3,25,000 रुपये जगह 6,50,000 रुपये बैंक को भर दिए हैं। और बैंक को भरने के बाद में फिर आरबीआई के आदेश से उनमें जांच चली हमें कि भाई कबर कैसे हुआ, कहाँ से हुआ, इसकी हमने परिवाद मिला तो परिवाद के ऊपर राय ली डी डी साहब से, और डी डी साहब की राय के बाद हमने इसमें मुकदमा दर्ज कराया है 400 किन लोगों के खिलाफ क्या, कितने लोग हैं ये? दो आदमी के खिलाफ किया है जी। अच्छा। एक भगवान दास असिस्टेंट मैनेजर है जी और एक एस एल मक्कड़ है जी असिस्टेंट मैनेजर डिप्टी मैनेजर अपने एस बी आई बैंक के, जिनकी तहवील में वो खजाना गया था और जिनकी तहवील में खजाना कम हुआ है तो वो तो तफ्तीश कर रहे हैं कि वो कम कहाँ से हुआ, या कर्मचारियों ने कोई गबन किया है, या उसका कसूरवार कौन है, ये तो आगे तफ्तीश से पता लगेगा। खबर मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश की भाजपा अध्यक्ष बदलने की अटकलों को तोमर ने किया खारिज। इस प्रकार की कोई भी चर्चा पार्टी के विचार में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी विधानसभा का चुनाव लड़ेगी और निश्चित रूप से पुनः 2018 में सरकार बनाएगी। नंद कुमार चौहान के नेतृत्व में ये चुनाव लड़ा जाएगा या फिर कोई दूसरा नाम भी आ सकता है? भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी। अच्छा, आपको अगर जिम्मेदारी दी जाती है तो क्या आप तैयार हैं जिम्मेदारी उठाने के लिए? नहीं, जो विचार में ही नहीं है बात, उस मामले में चर्चा करने की जरूरत क्या है? चौथी लड़ाई है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सब मिलकर पहले जो 3 लड़ाइयाँ लड़ी हैं उसी प्रकार से चुनाव में लड़ेंगे और फिर से सरकार बनाने में सफल हो। सर, सौदान सिंह जी के दौरे को आप किस तरह से देखते हैं? 3 दिन वो यहाँ पर रहे, कई मंत्रियों से मिले, एक लंबा दौरा रहा उनका 3 दिन का। सौदान सिंह जी हमारे राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री हैं। पार्टी ने पिछले दिनों यह तय किया था कि संगठन महामंत्री, संगठन सह महामंत्री और पार्टी के जो महामंत्री हैं ये अपने द्वारा निर्धारित जो राज्य हैं उन राज्यों में 3 दिन के लिए प्रवास करेंगे, तो बाकी सभी महामंत्रियों को जो जो काम बटा था उस हिसाब से सभी लोगों ने वो प्रवास किया है। उसी क्रम में सौदान सिंह जी का प्रवास यहाँ था, ये पार्टी की योजना थी और लगभग 6 महीने पहले योजना बनी। किसान सम्मान यात्रा निकलने वाली है तो आपको लगता है अब जो खेती है वो प्रॉफिटेबल धंधा नहीं बचा है, ऐसा किसानों को बताने की जरूरत है? अब मतलब कांग्रेस भी जो है किसान और जो है अपराध का मुद्दा इशू बना रही है। कांग्रेस के पास तो कोई इशू है नहीं, कांग्रेस तो विषयहीनता के दौर से गुजर रही है, देश भर में अप्रासंगिक हो रही है, मध्य प्रदेश में भी अप्रासंगिक है और आने वाले कल में और अप्रासंगिक होते हुए आप देखोगे। जहाँ तक मुद्दों का प्रश्न है तो कोई भी राजनीतिक दल किसी भी चीज़ को लेकर चुनाव में जा सकता है, लेकिन मध्य प्रदेश की सरकार ने जो कुछ किसानों के लिए किया है मैं समझता हूँ
बहुत अधिक है और मध्य प्रदेश की सरकार आज भी लगातार इस दिशा में प्रयास कर रही है कि किसानों की माली हालत सुधरे, किसानों को किसी प्रकार का नुकसान न हो। खबर उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत आज 124 जोड़ों का विवाह कराया गया। खबर बिहार के चंपारण से। बिहार चंपारण में स्थित डोम जाति के लोग कई सदियों से अपनी एक प्रथा के चलते अपने ही बच्चों की शादी काफी कम उम्र में करते आ रहे हैं। इसी के चलते रीता नाम की एक महिला ने भी अपनी 7 वर्षीय बेटी काजल की शादी करना चाही, लेकिन पुलिस को खबर मिलते ही पुलिस ने इस शादी को बाल विवाह के नाम से रोक दिया, जिसको लेकर डोम जाति के सभी लोगों ने पुलिस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और पुलिस थाने का घेराव किया। खबरों के सफर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए भारत न्यूज़ टीवी।